Good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel again. I hope you all are doing well. अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ. उठ के ब्रश व्रश करके अभी गर्म पानी पी रही हूँ और संडे इसीलिए थोड़ी सी लेट से उठ गई. और पिंपल्स निकल गए. जब भी मैं वीडियो बनाने मतलब जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ ना उसी दिन ये पिंपल्स आता है. पता नहीं क्यों ना गुस्सा आता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ सूजी. आज बहुत दिनों के बाद सूजी बना रही हूँ. मतलब बहुत टाइम हो गया सूजी नहीं खाया था. तो सोचा कि आज संडे भी है तो सूजी बना लेती हूँ. तो दिख रही है आप लोग को. सो ब्रेकफास्ट बन के रेडी है मेरा. मैंने सूजी और चाय बना लिया है और अभी मैं खाती हूँ. अभी मैं आई हूँ ऊपर छत पे क्योंकि अंदर कुछ काम चल रहा है. वो हम लोगों का बेडरूम का पंखा ख़राब हो गया था तो इलेक्ट्रिशियन आया है उसको ठीक करने के लिए. तो इसीलिए सोचा कि मैं थोड़ा सा ऊपर आके कैसे. और मतलब आज तबीयत भी इतना कुछ ठीक नहीं है. पता नहीं क्या हुआ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा इरीटेट भी फील कर रही हूँ. इतनी ज़्यादा इरीटेट हो रही हूँ ना कि मतलब कोई भी कुछ बोल दे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही हूँ. और कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा कि कुछ भी नहीं मतलब बिना बात के ऐसे ही मतलब मैं इरीटेट होती रहती हूँ. और डॉक्टर के पास भी जाना है आज. मतलब डॉक्टर के पास मतलब कुछ टेस्ट करवाना था तो उसी के लिए जाना पड़ेगा. तो 4-5 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए बोला, तो वही टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ेगा. और अभी बहुत अच्छा हवा चल रहा है, आज धूप भी नहीं है तो वेदर बहुत अच्छा है. ठीक है, इसीलिए अच्छा लग रहा है. अभी यहाँ पर ऊपर आके थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है. और खाना भी बनाना है. पता नहीं ये काम कब ख़त्म होगा. काम ख़त्म होने के बाद ही खाना बनाना पड़ेगा. सो अभी मैं लंच रेडी करने के लिए आई हूँ. आज लंच में बनाऊँगी साउथ इंडियन स्पेशल सांभर. और कल ही हम लोगों ने ये चिकन लिवर लाया था तो वो फ्राई करूँगी. और अभी पहले बनाऊँगी सांभर क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है. तो इसमें क्या क्या सामान यूज होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से. मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, बस अभी बनाना है. सांभर बनाने के लिए वेजिटेबल्स बहुत चाहिए. इसमें मैंने सब वेजिटेबल्स को ऐसे काट कर लिया है. ड्रमस्टिक है, बैंगन है और गाजर, फिर ये मूली, ये सब कुछ लिया है. और यहाँ पर मैंने टमाटर को सॉप करके रख दिया है. फिर प्याज, हरी मिर्च और ड्राई चिली और ये करी पत्ता और ये लहसुन को ऐसे काट करके लिया है. और इमली चाहिए. इमली को मैंने भिगो के रखा है थोड़ा टाइम के लिए. और ये तूर दाल है. तूर दाल को मैंने बॉईल कर लिया है, इसको बॉईल कर लेना पड़ता है. और मसाला चाहिए सांभर बनाने के लिए. ये सब मिक्स मसाला है. और ये धनिया है, फिर जीरा, ब्लैक पेपर, ये और सांभर मसाला. अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको. अभी वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए रख दूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी. नमक डाल के बॉईल होने दूंगी पहले इसको. ये देखिए गाइस, वेजिटेबल्स इतने अच्छे से बॉईल हो गए हैं. और मैंने इसमें दाल भी डाल दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई. और अभी इसको साइड में रख दूंगी और रख के अभी मसाला रेडी करना है. इसको पहले मैं इसको साइड कर लेती हूँ, उसके बाद मसाले को फ्राई करूँगी.
अभी पेन को गर्म होने के लिए लग गया है, और इसमें अभी कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ही डालना है, हीट हो गया है। अभी जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा। जीरा डाल दिया है। इसके बाद ग्रीन चिली। और अभी लहसुन। और एक साथ कड़ी पत्ता भी डालना होगा। कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा टाइम फ्राई होने के बाद प्याज डालना पड़ेगा। अभी प्याज डाल रही हूँ। प्याज को 2-3 मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा, गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अभी टमाटर डालना पड़ेगा। ये एक टमाटर मैंने सॉफ्ट कर लिया था, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाला डालना पड़ेगा। अभी इसमें सांभर मसाला डाल रही हूँ। और हल्दी एक साथ डाल के फिर इसको थोड़ा टाइम के लिए फ्राई होने के लिए रख दूँगी। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जितने भी वेजिटेबल्स है सब डाल दूंगी। बॉईल किया हुआ वेजिटेबल्स अभी डाल दिया है मैंने। इसको डाल के थोड़ा टाइम के लिए फ्राई करना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स कर लेना पड़ता है, नहीं तो मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा ना। सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी फ्राई होने के लिए थोड़े टाइम के लिए ढक के रख दूंगी इसको। सब्जी अच्छे से मिक्स हो गया है, और अभी इसमें डालना पड़ेगा पानी। पानी मतलब मैं जो जिसमें मतलब मैंने सब्जी बॉईल किया था वही पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है खा के। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इमली डालना पड़ता है। अभी इसको 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी, अच्छे से मतलब कुक हो जाएगा तब तक। अभी ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसमें अभी इमली डालूंगी जो मैंने भिगो के रखा था। मतलब इसको अच्छे से पानी मिक्स करके इमली डालने के बाद ज़्यादा टाइम कुक होने के लिए नहीं रखना पड़ेगा। अभी बस 1-2 मिनट के लिए रखने से हो जाएगा। कलर तो बहुत अच्छा आ रहा है। ये भी रेडी हो गया है, बस इतना गाढ़ा करने से ही हो जाएगा। दिखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। सो लंच बन गया है मेरा। आज संडे स्पेशल मैंने बनाया है चिकन बिरयानी, फिर चिकन लिवर फ्राई और सांभर। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये है चिकन बिरयानी और ये चिकन लिवर फ्राई और सांभर। सो लंच करने के बाद तो मस्त सो गई थी, अभी उठ के टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ और थोड़ा सा ऐसे घूम के भी आऊँगी। आज संडे है तो दिन भर घर में रहना अच्छा भी नहीं लगता संडे को, और डर भी लग रहा है, पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा। भगवान का नाम लेके आई होप सब कुछ सही हो और ओम नमः शिवाय। मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और हार्ट बीट से बहुत फास्ट हो रहा है, पता नहीं क्या आएगा रिजल्ट, और होप सब कुछ सही रहे। अभी जाती हूँ। सो बाहर से आने के बाद अभी मैं चाय पी रही हूँ और बाहर कुछ तो काम हुआ नहीं, बस ऐसे ही निकल के जाना हुआ। फर्स्ट तो वीकेंड कर्फ्यू और सेकंड बारिश एज यूजल। जब भी मैं बाहर जाती हूँ बारिश स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वापस आ गई। और आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। और आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू ऑल।